सुबह अहल इस्लाम कहान सुबह ईद मुबारक आज उस अरफ अल्लाह ताला सुन शुक्र कि लॉकडाउन गो यल तो अलबत् एस ओ पीस तो गई थोड़ा बहुत फलक अलबत् गई तेन कहें अलबत् यह कहान कि अच्छी पे जाए वह एस ओ पीस फॉलो खरीदार सन तरफ पे तरफ तलबत् चीज मार्केट रूद नम आई कि अलबत् तब हल खुदा सुन शुक्र क्या लूक लूक अस्सलाम वालेकुम तमाम अहल इस्लाम ईद मुबारक पेश कहान अल्लाह ताला थे सारे ठीक सही सलामत तो अल्लाह ताला सुन लाख लाख शुक्र कि मार्केट रूद पत्मो कहो दो पेट यल लॉकडाउन तो गो खत्म एम से पे मार्केट पे जान असर तो मार्केट रूद चूंकि हालात वशीद अम रंग कि पोस रंग से वस लूक नश तथ पे मतलब पोसन हूँ जरा कह तम पे लाख लाख शुक्र परवरदगार कहान कि मार्केटस मे रूद आमदो रफ्त पोसुक और योर कम रोज मुनासिब हिसाब मज रूज शुक्र तजात करीमस कुन बहुत तमाम बी तमाम अहल इस्लामस मुबारक ईद मुबारक पेश करा चलो शुक्रिया यम मुश्ताक सबन सर कथ शुक्रिया ये ब्याह एस कलेक्शन शोरूम उमन सो कत ईद बारस मज क्यों मार्केट रूद गुब अहल इस्लाम कहान सुबह ईद मुबारक आज उस अरफ अल्लाह ताला सुन शुक्र कि लॉकडाउन गो यल तो अलबत् एस ओ पीस तो गई थोड़ा बहुत फलक अलबत् गई तेन कहें अलबत् यह कहान कि अच्छी पे जाए वह एस ओ पीस फॉलो खरीदार सन तरफ पे तरफ तलबत् चीज मार्केट रूद नम आई कि अलबत् तब हल खुदा सुन शुक्र क्या लूक लूक द्राय हम द्राय यम द्राय पके अल्लाह पोसों लूक नश पो बिल्कुल इकसदी हालात कमजोर गमत अलबत् तब हल तो शुक्र खुदा कुन पकनान अस त दोन वक्त बत मिट से खेवान हाक बत मगर खेवान असलम वरहि वरक बहुत फ़र्क आया लोगों में क्योंकि लोगों के पास काम भी बहुत कम है पैसा भी कम है। चलो शुक्रिया इमरान साहब हमारे साथ बात कर रहे हैं। इस काम आसान इस नज़ इस पर तीस चं इस पर इस काम की नज़ तो बाक खरीदार चं पूर प्रॉफिट तो दिन खातर तैयार किए त्रेन हतन चीज आना सच ढाई हत दिवान वरिया मुश्किलात में एक भाई साहब बैठे हैं जो यूपी से यहाँ आए हैं कश्मीर ये भी काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं तो इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी आप बताइए कैसे जो आपका काम करते हो। जी हम रंग के काम करते हैं। कैसा काम था आपका? पहले तो हमारा काम बहुत अच्छा था लेकिन इस टाइम हमारा काम इतना स्लो हो गया है जैसे हर चीज़ का लेकिन मार्केट करने के लिए और आम काम के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है इस टाइम लेकिन अभी अभी तो थोड़ा सा डील हुआ है लेकिन पहले इतना मुश्किल हो गया था हम लोग का ताकि जे हम लोग कहीं अब घर से निकल नहीं सकते थे और इतना मुश्किल हो गया था कहीं हम काम पर नहीं जा सकते थे। हम शॉपिंग हुई आपकी? जी जी पहले जैसा तो शॉपिंग नहीं हो रहा है क्योंकि जब कमाई नहीं होगी तो शॉपिंग क्या होगी लेकिन इसी में थोड़ा बहुत हम लोग शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं प्रिंस हौज़री के अंदर इससे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। थोड़ा आप बताइए ईद के बारे में कैसा मार्केट रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का ठीक। जैसे कि आप जानते हो कि पिछले कई सालों से पिछले डेढ़ साल से हम सफ़र कर रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से कभी दुकानें खुलती थी कभी बंद होती थी मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ पूरी तरह से दुकानें खुली काम कम ज़्यादा ये तो बिज़नेस में चलता रहता है कभी कम कभी ज़्यादा मगर दुकानें अच्छी से खुली लोगों का आना जाना ठीक से हुआ और बाकी शुक्र अल्लाह का काम ठीक रहा। मैं प्रिंस हौज़री की तरफ से पूरे अहल इस्लाम को अपनी तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक पेश कर रहा हूँ। यहाँ एक वेंडर है इसे भी बात करते हैं हम कि अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइए अनवर साहब कैसा काम रहा है? खुदा का शुक्र है सही है।
इसका लाख लाख अल्लाह का शुक्र है। काम सही है वैसे, हल्का ये काम तो हल्का फुल्का होता ही है। बाकी सबसे पहले माल मार्केट खुल गया, लोन डोन का आदमी पिटा हुआ था, 3 साल से बंद था यहाँ, 1 साल धारा में हो गया, 2 साल लोन डोन में हो गया, फिर भी खुदा का चलो काम 19-20 तो होता ही रहे। बाकी सही है, इसका लाख लाख शुक्र है।